कृपा करून आपला एक प्रतिनिधि ते पाठवा, आपल्यासाठी ते बसण्याची व्यवस्था केलेली आहे। महबूब करेल पहिला चेंडू आणि त्याचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय तो म्हणजे स्ट्रायकर। पांच षटकांचा हा सामना राहील, दोन्ही संघांनी याची नोंद घ्यायची आहे। सुरुवात होते पहिला चेंडूला, एक फ्रेश मॅच आपण बघताय। वीर छत्रपती संभाजी मैदानामध्ये डोंगरीच्या ह्या ग्राउंडवर आपण द्वंद्व बघणार आहात, युद्ध बघणार आहात या दोन संघांमध्ये। दोन्ही नावाजलेले संघ दक्षिण मुंबई आणि दक्षिण मध्य मुंबईचे। नितांश इलेवन विरुद्ध वाळकेश्वर इलेवन, राहुल आणि ताबिश नॉन सेकंडला। ताबिश पहिला चेंडू महबूबचा, आकृतापेचा चेंडू, चेंडू तटवला आहे तो स्क्वेअर लेगच्या दिशेमध्ये। पहावा लागतील किती धावा पंचांकडून घोषित होतात। पहिल्या चेंडूवर एक खणखणीत असा चौकार आणि कमी कमी करू जास्त करू वाढव। पहिल्याचा चेंडूवर एक खणखणीत चौकार आणि आपले मात्र आपण का नॉ स्ट्रायकर वर आलोय याचं मात्र आता त्याने प्रात्यक्षिक सिद्ध करून दाखवलंय। हाडामारीचा षटक असणार आहे। पहिल्या चेंडूवर एक आकृतापेचा चेंडू फायदा पूर्णपणे उतरलाय तो राहुल याने। दुसरा चेंडू सेम दिशेमध्ये सेम डिरेक्शन मध्ये चेंडू तटवलाय पंचांचा निर्णय। आणखी एक चौकार, दोन चेंडूत आठ धावा। मला वाटतं चेंडू रबर रबर बॉलचा हाच एक फायदा होतो। तर दोन खणखणीत चौकार, मगाशीच मी म्हटलं हाणामारीचं षटक असणार आहे, जी धावगती असणार आहे तीच वाढवण्याचा इथे प्रयत्न होतोय। रबर बॉल आहे, ग्राउंड स्ट्रेट आहे, पाहावं तिथे आपण जर जिथे बॅटला चेंडू फळीला जो चेंडू लागेल नक्कीच धावांची तिथे बरसात होईल। दोन चेंडू मध्ये आतापर्यंत आठ धावा आपल्या संघासाठी राहुल याने कमवल्यात। पुढचा चेंडू महबूब याचा थोडंसं काहीतरी वेगळं करावं लागेल, कारण दोन वेगळ्या प्रकारचे चेंडू टाकले, एक आखूड ताप्याचा, त्याच्यानंतर फुलटॉस स्क्वेअर लेगच्या दिशेमध्ये थेट मैदानाच्या बाहेर। पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू, रिझल्ट मात्र सेम, रिझल्ट मात्र सेम। आपण बघत असाल त्याचं कारण आहे, काळा चौकीला जे ग्राउंड आहे तो असाच एका बाजूला असल्यामुळे ज्याची ज्याची प्रॅक्टिस मात्र राहुलला तितकीच चांगली आहे। आणि तीन चेंडू, तीन खणखणीत चौकार आणि पहिली तीन चौकार, पहिले तीन चौकार हे आजच्या टुर्नामेंटचे राहुल याच्या फळीमधून आलेत आणि ताळ्या झाल्या पाहिजेत राहुलसाठी। आजच्या ह्या इंडिपेंडन्स कप मध्ये पहिले तीन खणखणीत लागोपाठ चौकार, हॅट्रिक केली आहे ती चौकारांची। यावेळेला मात्र साइड बदलून घेण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेला एक निर्धाव चेंडू येतोय। अशा वेळेला थोडस आहेस वाटेल ते वाळकेश्वर संघाला, कारण सेम तिथेच प्रयत्न केला होता राहुल याने स्क्वेअर लेगच्या दिशेमध्ये, परंतु यावेळेला मात्र एक निर्धाव चेंडू। चार चेंडू झालेत आणि धावसंख्या मात्र झाली ती 12, अप्रतिम धावगती आतापर्यंत। फटका चांगला आहे तितकाच आणि पाहावं लागेल पंचांचा निर्णय। दोन धावींसाठी एकही चेंडू मैदानात राहिलेला नाहीये। जर क्रमांक तीनचा चेंडू आपण बघितला, प्रत्येक चेंडू मैदानाच्या बाहेर तटवण्याचा प्रयत्न होतोय। धावसंख्येत वाढ होते, ती झाली ती म्हणजे 14। दोन बॉल बाकी आहेत ना, शेवटचा चेंडू शिल्लक, सामना करण्यासाठी सज्ज धडाकेबाज फलंदाज राहुल। चांगला चेंडू, चेंडू वळवलाय तो म्हणजे केलाय तो ऑफ कटर आणि अप्रतिम आणि एक निर्धाव चेंडू। चांगला कमबॅक राहुल याचा, माफ करा महबूब याचा। षटकाखेरीस धावसंख्या झाली ती 15। चांगली धावगती आपल्या संघासाठी, पहिल्या चेंडू पासून फटकेबाजीला सुरुवात केली आणि त्याचं यश मात्र आलंय। नितांश संघाला आणि धावसंख्या झाली ती 1 षटकाखेरीस 15। पाहावं लागेल कोणावर आता ही जबाबदारी देत आहेत क्रमांक दोनच्या षटकाची, कारण पहिलं षटक अत्यंत महागडे षटक, पहिलं षटक अत्यंत महागडे षटक। आता पाहावं लागेल त्याच्या धावगतीला ब्रेक लावण्यात यशस्वी होते काय क्रमांक दोन, षटका षटक दोनचा हा खेळाडू जो गोलंदाज आलाय सचिन कनोजिया। क्रमांक दोनचं षटक घेऊन आले आणि आपल्याला म्हणावं लागेल ब्रेक लावण्यासाठी सचिन कनोजियाकडे हा कदाचित चेंडू सोपवला गेला असावा। सुरुवात करतोय तो तेज किरण पॅव्हिलियन कडून, कॉम्बॉक्स पॅव्हिलियन कडून। पहिला चेंडू सामना करण्यासाठी सज्ज उंचपूर असा ताबिश। चेंडू चांगला आहे, चेंडू तटवलाय मिड विकेटच्या स्क्वेअर लेगच्या दिशेमध्ये, डीप मिड विकेटच्या दिशेमध्ये। दोन धावा आपल्या संघासाठी ताबिश याने कमावल्यात आणि धावसंख्येचे वैयक्तिक खातं खोलले दोन धावेंनी। धावसंख्येत आणखी दोन धावांनी वाढ होते।
काहीतरी वेगळं करून दाखवण्याची गरज गोलंदाजांना वाळकेश्वरच्या। आखूट टप्प्याचा चेंडू मात्र पंचांचा निर्णय हा नो बॉल ओवर द हाइट गेल्यामुळे ओवर द हेड गेल्यामुळे नो बॉल आणि एक फ्री हिट लायसन्स टू हिट मिळाले तो ताबिशाला पाहावं लागेल। हॅलो चेक स्क्वेअर लेगच्या दिशेमध्ये आणखी एक डाव घेतोय तो म्हणजे ताबिश। स्ट्राइक होते चेंज, स्ट्राइक होते रोटेट, ताबिश आले नॉन स्ट्राइक रेंजला आणि पुन्हा एकदा आपल्या संघासाठी अशीच धडाकेबंद अशी फलंदाजी करण्यासाठी राहुल होतोय सज्ज। चांगल्या गोलंदाजीचं प्रदर्शन म्हणावं लागेल ते म्हणजे कनोजियाचं। मग अशीच म्हटलं ब्रेक लावण्यासाठी नक्कीच त्याला गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं असावं कर्णधाराने। फटका चांगला आहे परंतु राहुल नाम तो सुना होगा याला कोणीच अडवू शकत नाही। मात्र आज एक धाव मात्र घेतलाय चेंडू मैदानात राहिलाय आणि दुसरी ही धाव घेण्याचा इथे प्रयत्न तो पाहूया धावची होऊ शकतो का। परंतु मला वाटतं क्षेत्ररक्षण तितकस थोडस स्लो आणि त्याचा फायदा झालाय तो नितांश इलेव्हनला। दोन धावा आपल्या संघाच्या खात्यामध्ये धावून जमा केल्यात आणि राहुल पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर। किफायतशीर अशी गोलंदाजी होते ती कनोजियाकडून। चांगला चेंडू यायला यॉर्कर केला होता राहुल मात्र हेलिकॉप्टर उडवायला गेला होता परंतु हेलिकॉप्टरची चावी मात्र होती ती कनोजियाच्या हातात थांबवून ठेवलंय राहुलला आणि चांगल्या मगाशीच मी म्हटलं किफायतशीर अशी गोलंदाजी होते ती कनोजियाकडून। ब्रेक लावण्यात यश आलंय त्यांनी वाळकेश्वर संघाला। चेंडू मात्र फिरवलाय चेंडू सरळ गोलंदाजाच्या डोक्यावरून थेट येतोय तो कॉम बॉक्स मध्ये चौकारासाठी। रबर बॉलचा हाच एक फायदा असो जिथे टप्पा आणि जर शॉट यांच्यामध्ये जर कॉम्बिनेशन व्यवस्थित जमलं तर चेंडू कुठच्या कुठे आपण बघू शकता जाऊ शकतो आणि चार धावांची आणखी भर पडली आहे ही त्यांच्या धावसंख्येत आणि धावसंख्या झाली आहे ती दोन षटकाखेरीस ती म्हणजे 26।
हॅलो हॅलो जवळ आला असेल म्हणून फ्रिक्वेन्सी किती झाला. धावसंख्या झाली होती 40. पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स मध्ये थोडासा टेक्निकल इश्यू मुळे झालं तर बंद. गोलंदाज आहे तो साहिल. एका बाजूला आहे मंदार आणि स्ट्रायकरचा खेळाडू राहुल अजूनही नॉन सेकंड एंडला. चांगला चेंडू यावेळेला मात्र मला वाटतं त्रिफळाची झालाय आणि अप्रतिम गोलंदाजी. पहिला अप्रतिम चेंडू साहिलच्या पहिल्या चेंडूवर होतोय तो त्रिफळाचीत. तो म्हणजे मंदार पॅवेलियन मध्ये जातोय परत. मंदार स्पोर्ट्स, मंदार स्पोर्ट्सचे मालक चालक संचालक मंदार ठाकूर यांना विनंती करतोय. कृपया करून आपण मंदार ठाकूर उर्फ बॉन्ड यांना विनंती करतोय त्यांनी कॉम्बॉक्स मध्ये यायचंय आणि ते विराजमान व्हायचंय. मंदार स्पोर्ट्सचे बॉन्ड यांना विनंती करतोय. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद करण्यात यश आले आणि वाघेश्वर संघाला मात्र आता धावसंख्या झाली ती 40. आणखी मला वाटतं यानंतर एक षटक आणखी शिल्लक आहे. साहिलचा दुसरा चेंडू. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद करण्यात आले यश. पाहूया दुसऱ्या चेंडूवर काय ती करामत करू शकतोय काय. बॅट्समन कोण आहे. फटका तितका चांगला नाहीये. खेळाडूच्या हातात चेंडू विसावलाय. नवीन फलंदाज रेडेकर करतोय फलंदाजी. पहिला चेंडू मात्र निर्धाव चेंडू कमबॅक करण्याचा प्रयत्न वाळकेश्वर संघाचा आणि त्याचं कारण आहे अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रदर्शन इथे होतं ते म्हणजे साहिल कडून दोन निर्धाव चेंडू त्याच्यामध्ये एक गडीबाद. तेवढा चांगला चेंडू तितका चांगला फटका पाहूया हातामध्ये आणि यावेळेला मात्र झेल सुटलाय असं वाटतं त्यांच्या ऍक्शन त्यांच्या मुवमेंट्स वरून वाटतंय बॉलरच्या की झेल सुटलाय अप्रतिम आणि सोपा अगदी झेल होता. चांगला कमबॅक इथे मात्र साहिल करून देतोय. परंतु जर क्षेत्ररक्षकांनी जर अशी साथ दिली नाही तर नक्कीच आपल्याला माहिती आहे सलामीचा फलंदाज राहुल त्याने पहिल्या तीन चेंडूवर तीन खणखणीत असे चौकार आणले होते तो अजूनही मैदानात आहे. किती घातक ठरू शकतो ते मात्र आता पाहावं लागेल. या झेल सुटण्याचं मागचं कारण पाहावं लागेल. आणि मात्र आणखी एकदा चेंडू हवेत उंच उडालाय खेळाडू त्याच्या खाली आणि गडीबात. एक यशस्वी असं षटक टाकतोय तो म्हणजे साहिल. एक झेल सुटला होता आणि त्याच्यानंतर राहुल याला बाद करण्यात यश आलं आणि यशस्वीचं षटक किफायतशीर षटक साहिल याच्याकडून. धावसंख्येला मात्र धावसंख्येच्या गतीला मात्र संपूर्णपणे ब्रेक लावण्यात यशस्वी असं झालं तो वाळकेश्वरचा हा संघ आणि गोलंदाज साहिल. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन आपण बघताय साहिल याच्याकडून. आताच आम्हाला कळलं वय वर्ष फक्त आणि फक्त 17 आणि मात्र खतऱ्याची धोक्याची घंटा वाजवली होती. मितांश काळाचौकी या संघासाठी ती म्हणजे साहिल याने. नवीन फलंदाज आलाय अनिकेत. पाहावं लागेल कशी फलंदाजी करतोय मैदानातूनच मला वाटतं पॅवेलियन मधूनच सेट होऊन आलाय का पाहावं लागेल. कारण आता जो समोर जो गोलंदाज आहे त्याने आत्ताच दोन गडी बाद केलेत आणि चार चेंडू टाकलेत त्यामध्ये दोन गडी मात्र बाद केलेत. थोडीशी मला वाटतं स्वैर मारा इथे होतोय. अवांतर धाव मिळते ती स्मितांश संघाला. एका धावीने धावसंख्येत वाढ होते आहे आणि धावसंख्या मात्र चार चेंडू नंतर थोडीशी पुढे सरकते आहे ती म्हणजे एका धावीने. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन अप्रतिम. आज चौथं षटक अगुरताप्याचा चेंडू मात्र हवेत आणि मला कळत नाही का नाही तिकडे यष्टी रक्षक धावला. आणखी एक गडीबाद ची संधी निर्माण झाली होती परंतु यष्टीरक्षक मात्र तितका लेझी फुटवर्कनी पुढे आला. त्याला वाटलं रनआउट करण्याचा मला वाटतं त्याचा मनसुबा असावा. गडी बाद करणं तितकंच महत्वाचं आहे कारण धावसंख्या मात्र 40 झाली आहे. जरी आपण बघायला गेलं तरी षटक चौथं चालू आहे म्हणजे चौथं षटक अजूनही चालू आहे आणि धावसंख्या 40 झाली आहे आणि आणखी 42 झाली आहे माफ करा. तितका चांगला चेंडू आणखी एक निर्धाव चेंडू किफायतशीर षटक टाकले ते साहिल याच्यासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे. चांगला कमबॅक करून दिल्या फक्त दोन धावा दिल्यात आणि दोन गडी मात्र बाद केल्या त्याच्यामध्ये राहुलचा समावेश होता आणि त्याचा फायदा होऊ शकतो का. शेवटचा षटक निर्णायक षटक बघावं लागेल. 40-42 किती जास्त धावसंख्या का. साहिल सारखी गोलंदाजी करतंय वाळकेश्वर हा संघ.
का त्याचा वसपा काढण्यासाठी तयार आहे तो नितांश हा संघ पाहावा लागेल। शेवटचं षटक कोणाकडे आता सोपवण्यात येते अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी चिंचवंतर डोंगरी सार्वजनिक दहीकाला उत्सवाचे श्री अनिल पारकर इथे उपस्थित झाल्याबद्दल डोंगरी स्पोर्ट्स क्लब नाका बॉयज चिंचवंतर डोंगरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ इंडिपेंडन्स कप मध्ये त्यांचं सहर्ष 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 स्वागत। संघासाठी शेवटचं वैयक्तिक दुसरं असं षटक घेऊन येतो तो सचिन कनोजिया। धावसंख्या मात्र झाली ती 42 पाहावं लागेल। 50 वर ही धावसंख्या जाते आहे की तो ब्रेक मात्र 50 आत थांबवण्यात यश येते वाळकेश्वर संघाला। स्मितांश इलेव्हनला नितांश इलेव्हन पहिला चेंडू फटका चांगला तितकाच मात्र चेंडू हवेत आहे बराच वेळ हवेत चेंडू मात्र थेट मैदानाच्या बाहेर षटकारासाठी पहिल्या चेंडूवर घणाघाती प्रहार आणखी दोन धाव आपल्या संघाच्या खात्यामध्ये एका षटकारानंतर दोन धावा प्रयत्न मात्र तितकेच चांगले। मला वाटतं 50 वर धावसंख्या झाली की 50 धावसंख्या मात्र झाली आहे ती नितांश इलेव्हनची टाळ्या झाल्या पाहिजेत कारण आता मात्र हाणामारीचं षटक शेवटचं मगाशीच मी म्हटलं निर्णायक षटक असणार आहे ते वाळकेश्वरसाठी। चेंडू मात्र स्वयं बॅटची कडा गेली लागली होती नक्कीच इथपर्यंत आवाज झाला होता कॉम्बॉक्स पर्यंत। एक डी झोन मध्ये चेंडू जातोय धावसंख्या मात्र होते ती 50 वर एक धाव आणखी झाली ती म्हणजे 51 समाधानकारक अशी धावसंख्या आहे 51 आणि मला वाटतं आणखी गोलंदाजाचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत। रेडकर मात्र तितकासा प्रहार करतोय आपल्या संघासाठी प्रयत्न करतोय धावसंख्या आणखीन आणखी पुढे नेण्यासाठी जेणेकरून गोलंदाजांना थोडंसं कुशन मिळावं थोडंसं रिलॅक्सेशन मिळावं। चौथा चेंडू कनोजियाचा अखोट टप्प्याचा चेंडू मात्र तितकाच चांगला फायदा घेतलाय लेंथ चांगली होती परंतु कवर मात्र चांगला केलाय चांगला अँगल दिलाय चेंडूला दोन धावा आणखी संघाच्या खात्यामध्ये जमा होत आहेत। चौकाराचा प्रयत्न करतोय तो म्हणजे रेडकर परंतु तेवढंच चांगलं गोलंदाजीचं प्रदर्शन एक अखोट टप्प्याचा चेंडू आणि त्याच्यानंतर अँगल बदलून एक चेंडू टाकला होता कनोजी यांनी। चांगला चेंडू चेंडू मात्र हवे थेट जाईल मला वाटतं मैदानाच्या बाहेर धावसंख्येत पाहावं लागेल किती आणखी धावसंख्या जमवते ती म्हणजे 2 प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करणं करतोय तो म्हणजे रेडकर काउंटर अटॅक ज्याला म्हणतात तो रेडकर करून सुरू आहे तो कनोजियाच्या गोलंदाजीवर। शेवटचा चेंडू आणि धावसंख्या झाली ती 55 शेवटचा चेंडू पाहावा लागेल षटकार आहे चौकार आहे गडी बाद होतोय का दोन धावा आपल्या संघासाठी जमवतोय तो म्हणजे रेडकर का त्याच्यावर भारी पडतोय तो वाळकेश्वरचा कनोजिया। फटका तितकासा चांगला नाहीये मैदानातच चेंडू राहील एक धाव मात्र घेतली आहे चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट हवंय जर एक गडी बाद करायचा तेवढा चांगला थ्रो आलाय आणि मात्र इथे होतोय तो पाहावं लागेल धावचित होतोय तो नॉन स्ट्रायकरचा खेळाडू। एकच धाव आपल्या संघासाठी धावसंख्या झाली ती 56 विजयासाठी नितांत इलेव्हनला हव्यात त्या 57 म्हणजे 57 धावांची आवश्यकता।
रूप में रोहित परदेसी और सचिन कनौजिया बहुत बढ़िया यहाँ पे उन्होंने बॉलिंग का प्रदर्शन किया था कनौजिया ने, पर अभी जिम्मेदारी है बैटिंग की ऑलराउंडर खिलाड़ी वालकेश्वर की। 57 का टारगेट रख दिया है नितांत इलेवन ने, उसको पार करने की कोशिश होगी वालकेश्वर की तरफ से। धूप निकली हुई, ग्राउंड थोड़ा सा सूखता हुआ यहाँ पे, जरूर उसका फायदा उठाने की कोशिश होगी वालकेश्वर की तरफ से। जैसा मैंने कहा था, बाबुलनाथ जी का आशीर्वाद लेके मैदान में उतरती हुई है वालकेश्वर की टीम। और अनिकेत पहली गेंद लेके आएंगे रोहित के लिए। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए नितांत इलेवन के थोड़े से खिलाड़ी थोड़ी सी फील्डिंग में पोजीशनिंग चेंज करते हुए मैच शुरू होता हुआ। पहली गेंद अनिकेत की, पहली गेंद 57 रनों का लक्ष्य रख दिया है सामने, और ये लक्ष्य पूरा कर पाएंगे वालकेश्वर की नहीं। पहली गेंद बहुत बढ़िया शॉर्ट गेंद, उसको घुमा के दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। पहली गेंद से जैसे शुरुआत की ही थी यहाँ पे नितांत इलेवन ने, वैसे ही पहली गेंद पे प्रहार, कड़ा प्रहार, और जाती हुई गेंद दनदनाती हुई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए खाता खोला है टीम का अपने लिए और खुद का, और 4 रनों से, और इरादे स्पष्ट कर दिए यहाँ पे रोहित ने। पहली थोड़ी सी गेंद को पटका था लेकिन उसका पूरा फायदा उठाते हुए रोहित पहली गेंद में 4। अगली गेंद थोड़ी सी साइड आर्म डालते हुए लेकिन साइड से भटके, दिशा से भटके, और इसका परिणाम स्वरूप एक रन का इजाफा यहाँ पे वालकेश्वर इलेवन की। मतलब पहली गेंद में 5 रन आते हुए अभी भी 5 गेंदों का यहाँ पे ओवर बचा हुआ। थोड़ा सा माइंड सेट होता हुआ यहाँ पे, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश रोहित से पहले ही गेंद से, जैसा कड़ा प्रहार किया था थोड़ा सा बाहर लाते हुए गेंद को, ताकि बैट की कट लग जाए और विकेट कीपर के हाथ में जाके बॉल समाए। दूसरी गेंद अनिकेत की, बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा उसको स्लो कर दिया, यही गेंद डालना चाहते थे इसके पहले भी, पर थोड़ा सा दिशा से भटके थे, पर इस बार बढ़िया गेंद, थोड़ा सा डॉट बॉल आती हुई, प्रेशर बढ़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग की तरह वो वालकेश्वर इलेवन की तरफ, हर एक डॉट बॉल गेंद उनके लिए प्रेशर बढ़ाती जाएगी। अगली गेंद अनिकेत की, सामना करेंगे रोहित। ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ऊंचा स्ट्रोक मैदान के बाहर जाती हुई और एक बाउंड्री इनके रोहित के बैट से आती हुई, बहुत बढ़िया यहाँ पे खेलते हुए रोहित अपनी टीम के लिए। बहुत ही स्लो रखा था गेंद को, यहाँ से कॉम्बॉक्स में दिखाई पड़ रहा है, जो पहली गेंद डाली थी उससे भी बहुत थोड़ा सा धीमी गति की गेंद की थी, उसका पूरा फायदा उठाया रोहित ने। स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट की दिशा में दे मारा है बॉल को और सीधा 4 रनों के लिए गेंद बाहर जाती हुई, रनों का इजाफा, रन बरसते हुए इस बारिश के मौसम में वालकेश्वर की तरफ से। थोड़ी सी कप्तान की तरफ से थोड़ी सी आइडिया देते हुए अनिकेत को कम बैक करना पड़ेगा, अगर 57 रनों का टारगेट अगर है तो बॉलर्स को भी कम बैक करना पड़ेगा हर एक गेंद के बाद। फिर इस बार यही गेंद डालना चाहते थे और यहाँ पे अपनी विकेट दे बैठे, जानते थे थोड़ी सी गेंद बाहर डालेंगे तो जरूर यहाँ पे विकेट कीपर के हाथ में जाके गेंद समा गई यहाँ पे, और पहले विकेट का पतन होता हुआ वालकेश्वर इलेवन का, जो फॉर्म में इन फॉर्म रोहित पैवेलियन लौटते हुए देखना पड़ेगा यही रोहित का फॉर्म कौन आगे कंटिन्यू कर पाता है। अच्छा कमबैक यहां पे अनिकेत की तरफ से, एक अब दो बाउंड्री के बाद एक विकेट मिलना, मतलब जो खुशी होती है गेंदबाज के लिए कि जो गेंद डाली थी उसका फायदा जरूर हुआ, और एक विकेट का पतन, एक विकेट गिरती हुई यहाँ पे वालकेश्वर की, देखना चाहिए कौन अगले बल्लेबाज राम यहाँ पे उतरते हुए। रोहित का फॉर्म कंटिन्यू रखने के लिए कोशिश जरूर होगी क्योंकि पहला ओवर चालू है यहाँ पे। अच्छा स्कोर लेकिन है, अच्छी रन रेट है यहाँ पे वालकेश्वर की, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, कमबैक भी अच्छा किया है अनिकेत ने। अगली गेंद नए बल्लेबाज राम सामना करेंगे अनिकेत का, वही गेंद सेम डाली थी जैसे इसके पहले डाली थी, पर थोड़ा सा आउट ऑफ द स्टंप खेलने की कोशिश, एक रनों से कवर की दिशा में, पॉइंट की दिशा में ये गेंद गई, एक रनों से स्ट्राइक रोटेट करते हुए कनौजिया को स्ट्राइक पे लाते हुए। देखना पड़ेगा इस गेंद पे क्या होता है क्योंकि निर्णायक गेंद जरूर हो सकती है, जैसे भी रोहित ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी इसके पहले
नितांत इलेवन से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है यहाँ पे कनौजिया, सामना करेंगे अनिकेत का। ये बहुत बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी पटकी हुई, उसके नीचे खुद आते हुए खुद का कॉल लिया और एक विकेट का पतन। वालकेश्वर इलेवन पूरी तरह दबाव में आते हुए इसी ही पहली ओवर में, चाहते हैं जरूर ये करने की जरूर कोशिश होनी चाहिए, पर दो विकेट का पतन इस बार हो चुका है इस ओवर में। दो बढ़िया गेंद, दो बढ़िया बाउंड्री के बाद दो बढ़िया विकेट आती हुई अनिकेत के लिए, अच्छा कमबैक यहाँ पे नितांत इलेवन का काला चौकी का। और स्कोर हो चुका है, एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, दो विकेट के पतन के बाद स्कोर हो चुका है 10। अभी भी रनों की आवश्यकता, रनों की दरकार, एक ऐसा ओवर चाहिए जिसे काउंटर अटैक किया जा सके और इसीलिए स्ट्राइक पे होना जरूरी है राम का। और अभी देखना चाहिए उसका स्ट्राइक, किसके कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी दी जा रही है वालकेश्वर में, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन बढ़ता हुआ। करन नए बल्लेबाज, करन दो विकेट के पतन के बाद राम और करन के ऊपर, राम और लखन होते हैं यहाँ पे, राम और करन, एक महाभारत से और एक रामायण से। करन नॉन स्ट्राइक पर है, राम है स्ट्राइक पे और अकीब नए गेंदबाज। ये बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन उसका कुछ फायदा होता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे और एक विकेट का पतन होते हुए राम को जाना पड़ेगा पैवेलियन। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी सी गेंद धीमी की थी, पैर और बैट के बीच में ये गेंद जाती हुई, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथ में ये गेंद समाती हुई और विकेट का और एक पतन, बहुत ही ज्यादा दबाव में नाव फंसती हुई वालकेश्वर इलेवन की। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, पर उसके बाद बढ़िया गेंदबाजी, अखिल की पहली गेंद पे एक विकेट मिलता हुआ। प्रभात, थोड़ी सी पार्टनरशिप की आवश्यकता यहाँ पे प्रभात और लखन, माफ करना, करण के बीच होनी जरूरी। अभी भी चार ओवरों का खेल शेष, उसमें के पहली जो दूसरी ओवर है उसमें भी पांच गेंदे अभी भी शेष। प्रभात करेंगे सामना अखिल का। ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक, शायद मैदान के बाहर जाता हुआ, यस, इसको छक्के के दिशा में गेंदबाज की ऊपर से मार दिया, सेफ शॉट जिसे कहा जाता है, और एक छक्का पहले ही जहां पे प्रभात ने अपने आने के यहां पे कारनामे स्पष्ट कर दिए है कि मैं यहां पे अभी क्यों आया हूं, इसी की जरूरत, यही स्टांस रखने की जरूरत, यही कंटिन्यूटी की जरूरत, एक पहले ही गेंद पे एक लंबा छक्का गेंदबाज के सिर के ऊपर से, 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पे बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लेग कटर डालता हुआ, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में पर पूरी तरह चूके, एक डॉट बॉल आती हुई इसी बीच, जैसा मैंने कहा था स्लो पॉइजनिंग का काम करेगी ये डॉट बॉले वालकेश्वर इलेवन की तरह, वालकेश्वर इलेवन के लिए। अभी भी 3 विकेट अभी गए हैं, लेकिन बहुत बढ़िया अभी बल्लेबाजी होने की आशंका, जिस तरह से प्रभात ने पहला छक्का मारा था, बॉल उनको दिख रहा है, मतलब ये भी वही सेम गेंद थी, बॉल जाती हुई मैदान के बाहर, अंपायर के हाथ फिर एक बार खड़े, जी हाँ, पूरी तरह हावी होते हुए अखिल के ऊपर प्रभात। गेंदों में मतलब चार देखना चाहिए, पांच गेंद, चार गेंदे हो चुके, उसमें दो छक्के आ गए, तो 22 रन अपने टीम के लिए अर्जित कर चुके इस बहुत ही बढ़िया, ये रॉकेट लॉन्चर जो आपने देखे, हवाई फायर जो देखा, इससे स्कोर आगे बढ़ता हुआ वालकेश्वर का। थोड़ा सा मैच में कमबैक करने की कोशिश करते हुए वालकेश्वर, उसके कारण है प्रभात। जिस बार दिशा से फटके थोड़ी सी गेंद की स्पीड बढ़ाई, पर परिणाम स्वरूप एक वाइड का इशारा अंपायर के और एक डी जोन, 2 रन आते हुए इसी बीच, गलती मत करते हुए जैसे भी लाइन और लेंथ बिगड़ गई है अखिल के, ऐसा प्रतीत होता हुआ इस 2 छक्कों से थोड़ा सा माइंडसेट हिलता हुआ, लेकिन जरूरी होता है प्रभात जैसा माइंडसेट रखना। 3 विकेट के पतन के बाद भी अपने आप को संभाला, 2 छक्कों से लाइन और लेंथ बिगाड़ी और उसका फायदा वालकेश्वर के लिए होता हुआ। अभी भी दो गेंदों का ओवर शेष बचता हुआ प्रभात का, अगली गेंद सामना करेंगे प्रभात। फुलटॉस चेंडू इस बार पॉइंट की दिशा में जाता हुआ, गेंद एक डी जोन में जरूर जाएंगी, थैंक्स, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। आखिरी गेंद बची हुई अखिल की, जी रिव्यू लिया है वहां पे, यहाँ पे रिव्यू लेता हुआ
अंपायर चेक करते हुए, अंपायर चेक करते हुए, थर्ड अंपायर चेक करते हुए, अंपायर का निर्णय है फेयर डिलीवरी, गेम को आगे बढ़ाइएगा। थैंक्स अंपायर, फेयर डिलीवरी। गेम का आखिरी गेंद बची हुई अकील की, सामना करेंगे प्रभात। ये भी खेलना चाहते थे सामने की दिशा में, पर इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जाती हुई, ताबिश के हाथ में गेंद समाती हुई। ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 26। अभी भी मैच में बनी हुई वालकेश्वर, प्रभात को ऐसे खेलना पड़ेगा इसके लिए। अठारह गेंदे बची है, 31 रनों की आवश्यकता मैच इन हैंड वालकेश्वर के लिए। 18 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। थोड़ी देर पहले लग रहा था कि कम बैक पूरी तरह हावी हो चुकी है नितांत 11 काला चौकी पर, इस दो चक्कों ने काम कर दिया है वालकेश्वर का। 18 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। बहुत बड़ी चर्चा इस बार नितांत 11 की इस खेमे में, किसके ऊपर ये गेंद सौंपी जाए, और जरूर ये तीसरी जो ओवर होगी वो डिसीजन ओवर होगी, इसके ऊपर निर्भर करेगी कि आगे वालकेश्वर की तरफ झुकेगा जाएगा ये कि नितांत की तरफ। ताबिश के हाथ में गेंद समा दिए, बहुत 6 फुट के ये बढ़िया गेंदबाज, बहुत बार इनको गेंदबाजी करते हुए आपने देखा होगा डोंगरी के इस मैदान में। ताबिश की पहली गेंद, सामना करने के लिए तैयार प्रभात। 18 गेंदों में अभी भी 31 रनों की आवश्यकता। ताबिश की पहली गेंद, प्रभात सामना करेंगे, स्कोर हो चुका है 26। इस बार दिशा से भटके लेकिन डी जोन में जाते हुए, लेकिन गेंद जरूर बचा लिए यहाँ पे, नहीं वाइड का इशारा। शुरुआत बहुत ही बेकार यहाँ पे, वाइड का इशारा, एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ ताबिश के लिए। थोड़ा सा पैरों में खिलाने की कोशिश की थी, मिडल स्टंप से ऑफ स्टंप तक जाते हैं प्रभात, उसी को लेग स्टंप को टारगेट करने की कोशिश ताबिश की तरफ से। इस बार गेंद को और पटका, गेंद जाती हुई, अंपायर का डिसीजन यहां पे नो का इशारा। फ्री टेक है ना, वाइड है, फ्री हिट का इशारा अंपायर का। बेरर चेक प्रभात के लिए, कितने स्कोर इस चेक में डालते हैं। इस बार और एक गेंद बार पटकी, बहुत बढ़िया गेंद पटकी, यहां से कान के बाजू से सीटी बजाती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथ में, अच्छा कमबैक। फ्री हिट पे डॉट बॉल आना, मतलब एक डेंजरस सिचुएशन यहां पे क्रिएट हो चुकी है, मैच 50-50 बना हुआ। इस बार गेंद बढ़िया यहाँ पे पटकी थी, बैट को लगा था, फील्डर भी वहां पे मौजूद थे, पर गेंद हाथ से चिटक गई, और एक डॉट बॉल आती हुई ताबिश की। कमबैक करता हुआ नितांश 11 काला चौकी, प्रभात कोशिश करते हुए गेंद को बाहर मारने की, पर इस बार पूरी तरह रोकने में कामयाब ताबिश। और एक गेंद वाइड की दिशा में जाती हुई, दिशा से भटकते हुए ताबिश ट्राई कर रहे हैं लेग स्टंप को जहां पे टारगेट करना, वहीं से आगे गेंद हवा की रुख लेके जाती हुई वाइड के दिशा में। ओवर आगे बढ़ता हुआ, लंबा ओवर चलता हुआ, ये दो वाइड अभी तक डाल चुके, एक नो डाल चुके, एक्स्ट्रा रन आते हुए इस ओवर में, थोड़ी तेरी थोड़ी मेरी ऐसा होते हुए इस ओवर में। फिर एक बार बहुत ही बेकार गेंदबाजी ताबिश की तरफ से, बॉल को पटकने की कोशिश कर रहे वही कान के नीचे से, पर इस बार वाइड का इशारा अंपायर का, शायद उनको खुद को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहते हैं, क्या कौन सा गेंद डालना चाहते हैं प्रभात को, ना वो लेग स्टंप को टारगेट कर पा रहे हैं, ना वो प्रभात की तरफ गेंद को भेज पा रहे हैं, सिर्फ पटकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका फायदा जरूर हो रहा है वालकेश्वर को।
इस बार पॉइंट की दिशा में खेली हुई गेंद जाती हुई दो रनों के लिए। अभी तक 8 मिनट हो चुके हैं लेकिन ओवर अभी तक खत्म नहीं हो चुका है यहाँ पे ताबिश का, क्योंकि एक्स्ट्रा जाती हुई जैसा मैंने कहा था हर एक गेंद के बाद कम बैक करते हैं फिर एक्स्ट्रा देते हैं, उसके लिए जहां पे दो ओवर खत्म होने चाहिए थे वहीं से अभी भी वही ओवर ताबिश की चलती हुई। सेफ जोन में आती हुई इस बार वालकेश्वर और इसका कारण है ताबिश की एक्स्ट्रा रन। नहीं नहीं नहीं, डेंजरस सिचुएशन में लाते हुए ताबिश इस बार नो का इशारा अंपायर का, शायद सोचना चाहिए और एक फ्री हिट। जैसा मैंने कहा था 9वां मिनट चालू है और ओवर जैसे के तैसे थे, जरूर कुछ अलग करने की कोशिश है पर इस कोशिश में नाकामयाब रह रहे हैं ताबिश। थोड़े से नाराज नितांश के खिलाड़ी लेकिन थोड़े से वहां पे हैप्पी मूड में वालकेश्वर के खिलाड़ी, क्योंकि जो काम बैट्समैन ने करना चाहिए था वो तो बॉलर कर रहे हैं। इस बार और एक शायद लेग स्टंप की दिशा में जाती हुई वाइड का इशारा अंपायर का, प्लस वन मतलब ये दो रन साइड चेंज करते हुए थोड़ा सा खुद को शांत रखने की कोशिश होनी चाहिए, खुद को शांत रखने की कोशिश होनी चाहिए ताबिश को। अगर कुछ प्लान वर्क नहीं करना है तो सीधे गेंद डालिए स्टंप के ऊपर, कुछ अलग मत करिएगा। लेकिन आखिरकार गेंद ताबिश के हाथ में है, डिसीजन उनका होता है। इस बार गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, देखना चाहिए गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हैं क्या। एक रन जरूर यहाँ पे लिया है, दूसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं, दो रन जरूर यहाँ पे लिए अपनी टीम के लिए और दो रनों का और इजाफा। कितनी बॉल बाकी है, कितनी बॉल जरा टोटल बॉल मोस्ट, नहीं टोटल बॉल मोस्ट, टोटल बॉल मोस्ट 10 बॉल यहाँ पे ताबिश ने डाले हैं अभी तक, शायद दो ओवर भी खत्म हो जाती थी यहाँ पे, पर अभी भी दो गेंदों का ओवर अभी भी समाप्त होने के लिए दो गेंदे अभी भी शेष हैं। इस बार पॉइंट की दिशा में फिर एक बार नो का इशारा अंपायर का। आगे बढ़ता हुआ ये केमा थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल डिसीजन ऐसा गेंदबाज को लगता है, पंचांशी कोणी ही वाद घालायचा नहीं है, पंचांशी कोणी ही वाद घालायचा नहीं है। नो का इशारा अंपायर का, यहां से आपको सिर्फ अनुमति दी गई है रिव्यू लेने की, वो भी अगर ओवर द वेस्ट होगा तो उसकी अनुमति है, पर लाइन के नो के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। आपल्याला माहित असेल लाइन लोला नाही आहे, रिव्यू अवेलेबल नाही आहे, आपण ओवर द वेस्ट असेल तर आपण नक्कीच रिव्यू मागू शकता, विनंती करेल। सामन्याला सुरुवात करायची आहे, कर्णधार आपण सामन्याला सुरुवात करायची आहे, पंचांचा निर्णय झालेला आहे, स्कोर आपण इथे ऍड ऑन केलेला आहे। सर प्लीज आपण सामन्याला सुरुवात करूया। नो का इशारा और एक गेंद, 12 बॉल झाले का याचे, 11 झाले आता काय, 9ला काय वनडे आहे, वनडे आहे ना, 2 के 1 आहे ते, प्लस 1 नो प्लस 1। अभी भी यहां पे गेंद शेष और उसका कारण है लाइन नो, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से पूरी तरह से नाखुश नितांत के ये खिलाड़ी, क्योंकि ये ओवर खत्म होते होते अभी भी इतना टाइम हो चुका है, दो ओवर का खेल समाप्त होता था और स्कोर हो चुका है 39। सर 2 बॉल बाकी, 2 गेंदे अभी भी शेष ताबिश की, स्कोर हो चुका है 39। बहुत बढ़िया, ये स्ट्रोक सीधा जाता हुआ गेंदबाज के सिर के ऊपर से और एक दंदन आता हुआ यहाँ पे छक्का लगता हुआ ताबिश को, जहां पे जले पे नमक छिड़कना जिसे कहते हैं तो इसे कहते हैं। जरूर गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही थी, ओवर समाप्त नहीं हो रहा था, उसके बीच इस इनफॉर्म बल्लेबाज प्रभात का ये दंदन आता हुआ छक्का, अभी भी एक गेंद शेष, अभी भी एक गेंद शेष।
इसी बीच ताबिश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी थी। जैसा मैंने कहा था, ये एक डिसीजन मेकर ओवर हो सकता था कि हमको पता चल जाए कि ये मैच कहाँ जाएगा, मैच का जो रुख है वह कहाँ जाएगा, वालकेश्वर की तरफ कि नितांश कालाचो की तरफ। पर इस बार ताबिश ने पैरों पे कुल्हाड़ी जरूर मार लिए इस ओवर को डिसीजन लेके। और इस बार और एक गेंद बाहर जाती हुई, पूरी तरह मैच से बाहर होते हुए नितान काला चौकी। पर क्रिकेट है ये, अगली ओवर का इंतजार जरूर करेंगे, पर उसके लिए ये ओवर खत्म होना बहुत जरूरी। 14 गेंदे अभी तक डाल चुके हैं, 13 गेंदे डाल चुके हैं ताबिश, अभी भी स्कोरर ने बताया। थैंक यू। इस बार आखिरी गेंद पे वो सफलता मिली, पर शायद बहुत देर हो चुकी है। अभी ताबिश की इस आखिरी गेंद पे स्कोर गिनाना चाहेंगे। इस ओवर में कितने रन ताबिश ने दिए, स्कोर हो चुका है 46-46। और ताबिश की इस ओवर में अगर हम देखा जाए 20 रनों का ये ताबिश का ओवर था, पूरी तरह मैच में लाके खड़ा कर दिया है वहां पे वालकेश्वर को। 12 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 11 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता, 20 रनों का इस ओवर ने पूरी तरह वालकेश्वर को मैच में लाके खड़ा कर दिया है। बैक करने की जरूर कोशिश होनी चाहिए ताबिश को। अगर एक मैच अगर आपका बुरा जाता है तो अगले मैच में आप जरूर कम बैक करने की कोशिश होनी चाहिए, ऐसे खिलाड़ी को बैक करने की जरूरत होती है, वैसे ही करना चाहिए। मितान शिलेवन को जरूर कोशिश करनी चाहिए, ताबिश के पीछे खड़े रहने चाहिए ताकि अगली मैच में अच्छा कर सके अपनी टीम के लिए। पर अभी भी 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। तो कोण आहे अनिकेत ना, बॉलर कोण आहे नायक करण ना, पहिली ओवर टाकलेलं आहे ना, हा हा अनिकेत बॉलर अनिकेत, आणि लेफ्टी बॅट्समन कोण आहे, करण अंबाला, करण अंबाला। पुढच्या षटकासाठी आपण बघताय आलाय तो म्हणजे अनिकेत, ज्याने पहिलं षटक अप्रतिम टाकलं होतं त्याचीच नक्कीच गरज लागणार आहे। आणि करण करेल डावखुरा फलंदाज, 12 चेंडूत 11 धावांची आवश्यकता, पाहावं लागेल काय करावं लागतं। आउट ऑफ द स्टंप उभाच राहिलाय, स्टान्स घेतलाय, चांगला चेंडू यायला मात्र पॉइंटच्या दिशेमध्ये, एक धाव मात्र मिळते तिकडे, एका धावेतच समाधान मानावं लागेल। धाव संख्या मात्र आता हळूहळू पुढे नेण्याचा इथे प्रयत्न होईल। 11 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 10 धावांची आवश्यकता। आणि सुशांत नवीन फलंदाज, प्रभातच्या एक धडाकेबाज फलंदाजीनंतर सुशांतला आपण बघताय, सेम स्टान्स दिसतोय आपल्याला प्रभात सारखा, पाहावं लागेल रिझल्ट मात्र सेम येतोय का। फटका तितकासा चांगला नाहीये, चांगला अनिकेतची गोलंदाजी, मगाशी पहिल्या षटकामध्ये तेवढीच चांगली गोलंदाजी केली होती, अप्रतिम गोलंदाजी केली होती, कम बॅक करण्याचा प्रयत्न होतोय। मात्र आता नेक टू नेक मॅच इथे होणे होते का ते पाहावं लागेल। 10 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता, 10 चेंडू 10 धावा, अनिकेत की अगली गेंद, सामना करेंगे सुशांत, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए विकेट कीपर। इस बार गेंद थोड़ी सी हल्की लाती हुई, यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद था, मैं जैसा मैंने कहा कि ये गेंद मैच जाएगा आखिरी ओवर तक, 10 रनों की आवश्यकता, 9 गेंद अभी भी शेष। अनिकेत गेंदबाजी अच्छी करते हुए टीम को अच्छा कमबैक देते हुए 10 रनों की आवश्यकता, अभी भी 9 गेंदे शेष। करण को ट्राई करना चाहिए ये स्कोर, जरूर करण को ट्राई करना चाहिए, बहुत देर से मैदान में खड़े हैं, क्योंकि जो नया खिलाड़ी मैदान में आएगा उसके लिए फ्रेश गेंद रहेगी, लेकिन करण बहुत देर से यहाँ पे, जरूर ट्राई करना चाहिए। नए बल्लेबाज अमित मैदान में आते हुए, स्कोर अभी भी नेक टू नेक चलता हुआ, 9 गेंदे बची है और 10 रनों की आवश्यकता, एक लंबे हिट की आवश्यकता और करण के लिए, माफ कीजिएगा अनिकेत के लिए एक विकेट की आवश्यकता, कौन किस पे भारी जरूर पता चलेगा। अमित नए बल्लेबाज मैदान में,
गेंदबाजी करेंगे करण। इस बार पॉइंट की दिशा में एक खेला हुआ स्ट्रोक जाता हुआ एक डी जोन में स्कोर एक से आगे बढ़ता हुआ, अभी भी मैच की स्थिति 50-50 बनी हुई। विकेट की तलाश में मितांश इलेवन और एक बड़ी हिट की तलाश में वालकेश्वर इलेवन। इस बार खेला हुआ ये स्ट्रोक और यहाँ पे थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस कॉल वहां पे और एक विकेट का पतन। जो मैच हाथ में है उसके छोड़ते हुए ऐसा लग रहा है वालकेश्वर इलेवन अभी भी प्रेशर में लग रही है, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पे 7 गेंदों में अभी भी 9 रनों की आवश्यकता, पर खुद को ही प्रेशर में लाते हुए वालकेश्वर इलेवन जो काम इससे पहले ताबिश ने किया था, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज उतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहे यहाँ पे वालकेश्वर के। अभी भी 7 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज दीपक शायद ये कुछ कर, जैसा मैंने कहा था एक स्ट्रोक की आवश्यकता है मैच में वापस आने के लिए। और बहुत बढ़िया गेंदबाजी अनिकेत की यहाँ पे, जो पहला ओवर डालता उसी के ऊपर वैसे ही ओवर करने की कोशिश और बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा कमबैक यहाँ पे मितांश का। अभी भी 9 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदे अभी विशेष, आखिरी गेंद अनिकेत की, प्रेशर ओवर और इस बार गेंद खड़ी हुई है इस बार हवा में और शायद यहाँ पे गेंद छिटक चुकी है यहाँ पे कैम बॉक्स से कुछ दिख नहीं रहा है। एक डी जोन में जाते हुए 6 गेंदों का खेल बचा हुआ और 8 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदे 8 रन, बहुत ही डिसीजन। जैसा मैंने कहा था बहुत बढ़िया गेंदबाजी अनिकेत के लिए, जरूर तालियां होनी चाहिए अनिकेत के लिए, बहुत तालियां होनी चाहिए अपने टीम को फिर एक बार 50-50 की पोजीशन पे लेके आए हुए। 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। राजेश सुरवे साहेबांचं इथे मनपूर्वक स्वागत। टाळ्या वाजून त्यांचं स्वागत करायचंय, त्यांनी स्वतःच टाळ्या वाजवल्या त्याच्यासाठी। 6 चेंडूत 8 धावांची आवश्यकता, 6 गेंदे बची 8 रनों की आवश्यकता और राहुल जिन्होंने पहले ही इस मैच में, इस टूर्नामेंट में 3 बाउंड्रीज का जो यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया था, इस बार गेंदबाजों की शायद कप्तान भी है इस टीम के, खुद के ऊपर भरोसा। 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता और अभी अभी पता चला करण ने 1 गेंद में 6 रन मार के मैच जीता था ऑगस्ट गांधी मैदान में, उसी की यहाँ पे रिपीटेशन होता है क्या देखना पड़ेगा वालकेश्वर के लिए। पहली गेंद राहुल की, इस बार उसके ऊपर हावी होते हुए राहुल एक अनुभवी खिलाड़ी मितांश के, हर एक डॉट बॉल पे प्रेशर बढ़ता हुआ वालकेश्वर को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए अभी भी, एक हिट की आवश्यकता जैसा मैंने कहा था। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे राहुल की, पहली गेंद बहुत बढ़िया, दूसरी गेंद सामना करने के लिए फिर एक बार करण की गेंद बैट से जरूर यहाँ पे जाती हुई गेंद एक डी जोन में, ट्राई बहुत बढ़िया करे पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे होती हुई, अभी भी मैच निकला नहीं है मितांश के हाथ से, उसका कारण है खुद को बचा के रखा था ये ओवर राहुल ने खुद के लिए। 4 गेंदे बची हुई और 7 रनों की आवश्यकता, करण ये कारनामा कर पाते हैं कि नहीं देखना पड़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होता हुआ, अगली एक एक गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए। अगली गेंद राहुल की, सामना करेंगे करण। बहुत बढ़िया स्लो गेंद जाता हुआ मैदान के बाहर, मैच को जीता दे जैसा मैंने कहा था ऑगस्ट क्रांति मैदान में, जिस तरीके से 1 गेंद में 6 रनों की आवश्यकता थी और करण ने वो कारनामा किया था और इस बार वो कारनामे की कोशिश की और उसमें सफल रहे करण। वालकेश्वर टीम
सिर्फ स्कोर हो चुका है लेवल, अभी सिर्फ एक रन की आवश्यकता है यहाँ पे। बहुत बढ़िया शो खेला था, गेंद पाले में थी, उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पे करण ने, मैदान के बाहर दे मारा एक छक्के के लिए। मैच को पूरी तरह लेवल करते हुए करण इस गेंद में, दो गेंद अभी भी शेष, एक रनों की आवश्यकता, तीन गेंदे शेष अभी भी, माफ कीजिएगा राहुल की। ये गेंद जाती हुई पॉइंट की दिशा में, और इस बार जीत का सेहरा पहन लिया है वालकेश्वर इलेवन। जय बाबुलनाथ। जरूर जैसा मैंने कहा था, 20 रनों का जो ओवर था, जे ओवर होता षटक, आणि ह्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच म्हणून प्रभात याची निवड करण्यात आली। अभिनंदन प्रभात, आपले जे दोन षटकार होते ते कामी आलेत आपल्या संघाला, तीन षटकार माफ करा, आणि नक्कीच ताबिश पाठी संपूर्ण संघाने उभं राहिलं पाहिजे, नक्कीच पुढच्या मॅच मध्ये चांगला करू शकतो ताबिश, आज त्याचा दिवस नव्हता।